आज हम लोग अछनव के हिंदी के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी की व्याख्या को देखेंगे तथा तो काव्य सौंदर्य संदर्भ और प्रसंग भी देखेंगे। इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि किस तरह से जब श्री रामचंद्र को वनवास हो जाता है तो वह अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के सहित जंगल में लुक जाते हैं और गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक स्थान पर अपनी कुटिया बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं और वहीं का वर्णन है। सबसे पहले उसकी प्राकृतिक छटा का वर्णन है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन अवर अंबर तल में, पुलक प्रकाश पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, अमानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन अवर अंबर तल में। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रसंग लिखेंगे कि इसमें पंचवटी नामक स्थान पर प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन है। जिस समय रामचंद्र अपनी पत्नी सीता सहित जंगल में निवास कर रहे हैं। प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु माने होता है सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की, चंचल माने चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, जल और स्थल दोनों में। तो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल दोनों जगह खेल रही है, अर्थात हर जगह सुंदर चांदनी रात फैली हुई है। तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है माने फैली हुई है, अवन माने होता है पृथ्वी और अंबर माने होता है आकाश, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, पुलक माने होता है प्रश्नचित, प्रश्नचित भाव प्रकट कर रही है यह धरती हरित तृणों, तृण माने होता है घास फूस, घास फूस की नोकों से, अर्थात घास फूस को देख करके पता चल रहा है कि यह पृथ्वी बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में है। तो मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, कह रहा है कि मानो, मानो का प्रयोग होने के वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो वहां के तरु मने होता है वृक्ष, हल्के हल्के पवन बहने से झोंक उनके झोंकों से और भी सुंदर लग रहे हैं। तो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें उस पंचवटी नामक दिव्य स्थान पे, चाहे वह थल हो या फिर स्थल हो, हर जगह खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, चाहे वह पृथ्वी हो चाहे आकाश हो, प्रत्येक स्थान पर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से अपनी प्रसन्नता को, धरती मानो हरित घास फूस की नोकों से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही हो। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, वहां के जो वृक्ष हैं तरु हैं वे मंद पवन के झोंकों से, अर्थात हवा जब बहती है तो वे इधर उधर
रहे हैं। दूसरा भाग है यहां पे कुटिया का वर्णन है और कुटिया के सामने सीता और श्री राम तो अंदर हैं लेकिन लक्ष्मण बाहर बिल्कुल एक सुंदर किला है, पत्थर है और उस पर खड़े हैं। उनका वर्णन है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मनाम, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, अभोगी कुसुमायुध जोगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो पंजो पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बनाम, पंचवटी अर्थात पांच वटियों का समूह, सुंदर वृक्षों का समूह है। तो पंचवटी की छाया में अर्थात उसी पंच पुष्पों के और गुच्छों के छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, पर्ण मन होता है पत्ती, पत्ती की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मनाम, कह रहा है कि उसके बिल्कुल सामने कुटिया के सामने संरक्षक के रूप में स्वच्छ शिला पर मन बिल्कुल साफ सुथरी शिला मन होता है चट्टान पर धीर वीर, धीर मन धैर्यशाली, वीर मन वीर, निर्भीक मन निडर्स और मना मन मन वाले, कह रहा है कि उस कुटिया के सामने लक्ष्मण जी का वर्णन है तो सुंदर शिला पर धैर्यशाली के रूप में वीर और निर्भीक बन करके और ऐसे मनवाले क्या कर रहे हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, कह रहे हैं कि यह जाग रहा है कौन धनुर्धर, धनुर्धर माने धनुर को धारण करने वाला है अर्थात धनुष को धारण करने वाला, यह कौन सा वीर है जो कि रात्रि में पूरा संसार प्रयन कर रहा है, उस समय यह जागरण अवस्था में है कि जबकि भुवन भर सोता है, भुवन माने चौदह भुवन के लोग सारे प्राणी विश्रामावस्था में है, शयन में है और यह प्राणी कौन है जो जाग रहा है। अरे भोगी कुसुमायुध जोगी सा बना दृष्टिगत होता है, देखने पर तो भोगी लग रहा है, संसार में भोग करने योग्य लग रहा है। कुसुम आयुध अर्थात कुसुम ही जिसका आयुध हो अर्थात कामदेव, तो कामदेव के समान सुंदर भोग करने वाला तो लग रहा है लेकिन योगी शाम बना दृष्टिगत होता है, देखने पर जोग रमा रहा है, इस तरह से बिल्कुल योगी जैसा लग रहा है, विरोधाभास अलंकार है। तो भोगी कुसुम आयुध जोगी शाम बना दृष्टिगत होता है, देखने पर तो कामदेव जैसा सुंदर भोगी पुरुष जैसा लग रहा है लेकिन फिर भी योगी जैसा क्या कर रहा है, दृष्टिगत होता है, दिखाई दे रहा है। पंचवटी की छाया में सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है, उसके सामने स्वच्छ चट्टान पर धैर्य वीर और निर्भय मन वाला यह कौन सा धनुर्धर है जो जाग रहा है जबकि पूरा संसार सो रहा है। कामदेव के समान सुंदर शरीर वाला यह भोगी जैसा तो लग रहा है, राजकुमार लग रहा है ना, लेकिन फिर भी योगी सा बना यह दिखाई दे रहा है। इसमें लिखेंगे कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इसमें लक्ष्मण की विशेषता पर चर्चा की गई है, उन्हें धैर्यशाली वीर निर्भीक मनवाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त भुवन और भर यहाँ पर भौवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इस तरह से अनुप्रास अलंकार और ये पद हैं और यह पूरा जो पद्य है वह ये छंद में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे। तीसरा है
आर किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। अरे किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। राज भोग के जोग विपिन में बैठा आज विराग लिए। अरे बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। बता रहे हैं कि किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। किस व्रत में है, व्रत का मतलब होता है प्रण धारण करना, संकल्प लेना। तो किस संकल्प में यह संकल्पीय वीर निद्रा का यूं मने इस प्रकार से त्याग करके यह किस व्रत को लिया है, अर्थात किस संकल्प को धारण किया है। अरे राज भोग के जोग्य विपिन में बैठाया जब विराग लिए। राज भोग के योग्य है यह, अर्थात यह तो राज्य का भोग करने योग्य है ना, लेकिन विपिन मैंने जंगल में बैठा आज विराग लिए। विराग मैंने होता है वैराग्य। आज साधु संतों जैसा वैराग्य लेकर के यह जंगल में क्या कर रहा है। तो राज भोग के योग्य विपिन में बैठाया आज विराग लिए। अरे बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। पहरा है कि बना हुआ है प्रहरी, प्रहरी मने प्रहदा पहरा पहरेदार या रक्षक, करे कि जिसका वह रक्षक बना हुआ है। अब उस कुटीर में क्या धन है, उस कुटिया में कौन सा धन है। अरे जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। जिसकी रक्षा में रत मन लगा हुआ है, इसका तन मन और जीवन सब कुछ समर्पित है। आखिर इस कुटिया में कौन सा धन है जिसकी हर रात दिन जागृत अवस्था में रह करके और रक्षा कर रहा है। तो किस व्रत में यह संकल्प लिया हुआ वीर है और निद्रा का इस प्रकार से त्याग किए हुए है। यह देखने में तो राजभोग के योग्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जंगल में बैठ करके आज वैराग्य लिए हुए है। जिसका यह प्रहरी बना हुआ है, उस कुटिया में क्या कौन सा धन है जिसकी रक्षा में इसका तन मन और जीवन लगा हुआ है। यहां देखिए अनुप्रास अलंकार, व्रत में बौ व्रति और वीर, बौ वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त तन मन में नौ वर्ण अंतिम में आ रहा है, इसलिए यहां पे अंत्यानुप्रास की छटा दर्शनीय है। इस तरह से यह छंद के छंद है और गुण माधुर्य गुण इसमें दृष्टिगत हो रहा है। इस तरह से काव्य सौंदर्य पूरा करेंगे, आगे लिखेंगे। अरे मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। और मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया जय अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। अभिजंद सह निशा से सह निशाचरी माया ठहरी। बता रहे हैं सीता के तरफ संकेत है कि मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मर्त लोक मने इस मृत्यु लोक का, मालिन्य मने होता है मलिनता पाप। तो कह रहा है कि मर्त लोक का अर्थात इस मृत्यु लोक का पाप को मेटने मने मिटाने के लिए अपने स्वामी के साथ अर्थात श्री राम के साथ में जो आई है। अरे तीन लोक की लक्ष्मी ने आया कुटिया जय अपनाई है। तीनों लोकों की जिसे लक्ष्मी कहा जाता था, बताया जाता है कि सतयुग में जो विष्णु की प्रिया लक्ष्मी थी, वही त्रेता में आकर के राम की पत्नी सीता बनती है। उसी को बता रहा है कि आज वह लक्ष्मी है। तो तीन लोक की लक्ष्मी ने आया कुटिया जय अपनाई है। तीनों लोकों की लक्ष्मी अर्थात सीता ने इस कुटिया को आज अपनाई हुई है।
अबीर वंश की लाज यही है, अब फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंशजों की तो लाज यही है ना कि पत्नी की मर्यादा की रक्षा करना, तो फिर भला यह वीर क्यों न प्रहरी हो। लक्ष्मण के तरफ संकेत है। अभिजन देश है निशा से सहम, अनिशाचरी माया ठहरी। विजन देश है, विजन का मतलब कि जिसमें अपने जन न हो। जैसे देश और विदेश होता है, तो देश में अपने लोग और विदेश में दूसरे लोग, तो उसी को बता रहा है कि विजन देश है। विजन मतलब ऐसा देश जहाँ पर अपने परिचित लोग न हो। तो विजन देश है निशा से सहम, निशा माने होती है रात्रि, रात्रि अभी बहुत से बहुत बाकी है। तो विजन देश है निशा से सह, निशाचरी माया ठहरी। निशाचरी मैंने राक्षसों की माया ठहरी हुई है, अर्थात सर्वत्र फैली हुई है। तो मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मृतलोक की मलिनता को पाप को मिटाने के लिए जो अपने स्वामी के साथ इस जंगल में आई हुई है। अब तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया जय अपनाई है, तीनों लोकों की जो लक्ष्मी है अर्थात सीता स्वरूपा लक्ष्मी इस कुटिया को आज अपनाई हुई है। अबीर वंश की लाज यही है, अब फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंशजों की तो लाज यही है कि पत्नी की रक्षा करना या नारियों की रक्षा करना, तो भला यह वीर क्यों न प्रहरी के रूप में काम करे। अभिजन देश है निशा से सह, निशाचरी माया ठहरी। देश भी विजन है, निशा भी अभी शेष है, बहुत रात्रि बाकी है। निशाचरी माया यहाँ पे फैली हुई है, तो यहाँ पर तो देखभाल करना आवश्यक है ना। इसमें देखेंगे मर्त लोक मालिन्य मेटने मौवर्ण की आवृत्ति है, स्वामी संग स्ववर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर आज और अपना में अवर्ण की आवृत्ति है। तो इस तरह से वीर है, वंशज है, तो यहाँ पर फिर यहाँ निशा में, निशाचरी में निवर्ण है, तो अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। आगे देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, अहे क्या ही निस्तब्ध निशाम, अहे स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशाम। बंद नहीं अब भी चलते हैं अनियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। वहां की स्थिति का वर्णन है कि चांदनी रात है और किस तरह से प्राकृतिक लीला चल रही है। तो क्या है स्वच्छ चांदनी है यह, कह रहे कि क्या यह स्वच्छ चांदनी है, अर्थात यह इतनी सुंदर चांदनी है जिसके विषय में क्या कहना। तो क्या है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, और क्या यह निस्तब्ध मैंने बिल्कुल सुनसान रात्रि का समय है, निशा मैंने होती है रात्रि। अहे स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, है स्वच्छंद चारों तरफ, स्वच्छंद मैंने बिल्कुल साफ सुथरी, सुमंद मैंने सुंदर, मंद मंद गंध वाला वह पवन बह रहा है, लग रहा है कि फूलों के बगीचों से वह बह करके आ रहा है। तो कह रहे कि क्या वह स्वच्छ सुंदर मंद मंद सुगंध को लिए हुए वह हवा आ रही है, अनिरानंद है कौन दिशा। निधन आनंद अर्थात सभी दिशाएं आनंद से भरी हुई हैं। अब बंद नहीं अब भी चलते हैं अन्यति नटी के कार्यकलाप, करें कि अब भी बंद नहीं है। तो बंद नहीं अब भी चलते हैं, करें कि अभी बंद नहीं है, रात्रि का समय है और अब भी चलायमान है, क्या चल रहा है। अन्यति नटी के कार्यकलाप, नियति मन होता है भाग्य, भाग्य रूपी नटी अर्थात प्रकृति लीला के जो क्रियाकलाप है अभी भी चलायमान है, प्रकृति अपनी चाल चल रही है। पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप, लेकिन पता नहीं कितने एकांत भाव से और कितने शांत ढंग से चुपचाप अपना क्रियाकलाप करता रहता है। तो क्या ही स्वच्छ चांदनी है या है क्या निस्तब्ध निशा, कितनी वह स्वच्छ चांदनी है और भला यह निस्तब्ध अर्थात सुनसान रात्रि का माया फैला हुआ है।
है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह सुंदर सुगंधित गंधों से भरा हुआ वातावरण है, निरानंद है कौन दिशा और सारी दिशाएं आनंद से परिपूर्ण है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, अभी भी जो प्रकृति रूपी या भाग्य रूपी जो नटी है नर्तकी है उसके क्रियाकलाप अब भी चलते हैं, वह बंद नहीं है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन बिल्कुल एकांत भाव से और बिल्कुल शांत तथा चुपचाप प्रकृति की लीलाएं चलायमान है। तो इस तरह से स्वच्छ सुमंद में स्वर्ण की आवृत्ति है, नियति और नटी में नवर्ण की आवृत्ति है। तो इस तरह से यहां पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कार्यकलाप क्रिया रूपी कलाप, तो यहां पर रूपक अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। पद के हैं गुण प्रसाद और माधुर्य है। अगला देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, अरबी बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, अशून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। यहाँ देखिए संध्या, संध्या का दो अर्थ यहाँ निकल रहा है। ओम तो दो इसमें अर्थ चिपके हुए हैं। एक संध्या का अर्थ यहाँ निकल रहा है कि एक संध्या सूर्य की पत्नी थी जिसका नाम संध्या था, और एक संध्या शाम के समय को भी संध्या कहते हैं। तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, कवि कल्पना कर रहा है कि बिखेर देती है मैंने फैला देती है वसुंधरा मैंने पृथ्वी। अब मोती का मतलब होता है, मोती तो फैलाती नहीं, वह क्या है, वो उसकी बूंदों को फैला देती है ना। तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, जब सारे प्राणी सो जाते हैं तो यह पृथ्वी ओस रूपी मोती को इस पृथ्वी पर बिखेर देती है। अरबी बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, रबी माने होता है सूर्य, बटोर लेता है माने इकट्ठा कर देता है। अब उनको सदा सवेरा होने पर, सदा माने हमेशा, जब सुबह होता है तो ये ओस की बूंदें सूर्य के प्रकाश से विलुप्त हो जाती हैं। तो उसी को कभी कल्पना कर रहा है कि मानो सूर्य उसे बटोर लेता हो। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और कह रहे कि अपनी विराम दायिनी अर्थात सूर्य को विराम देने वाली संध्या ही न है। जब शाम का समय होता है तो सूर्य संध्या के गोद में चला जाता है, अर्थात अपनी विराम दायिनी को जिसका नाम संध्या है, संध्या के पास चला जाता है। तो कह रहा है कि और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, वे जो मोती बटोरा है ना उसको फिर संध्या को दे जाता है, और संध्या फिर उसको रात्रि भर में ही फैला देती है। तो शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है, शून्य मैंने बिल्कुल, शून्य श्याम मैने श्यामला या अंधकार, तनु मैने उसके तन को शरीर को जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कभी कल्पना कर रहा है कि मानो उसी मोतियों के प्रकाश से संध्या का रूप झलकने लगता है। तो जब सभी प्राणी संसार के सो जाते हैं तो यह पृथ्वी मोती रूपी ओस की बूंदों को बिखेर देती है, और प्रातः काल होने पर रवि उसे या सूर्य उसे बटोर लेता है, और शाम को जब संध्या होती है तो अपनी विराम दायिनी संध्या को दे देता है, जिससे उस संध्या का श्यामला रूप और उसका शरीर झलकता रहता है। आगे देखेंगे सातवां। अरे सरल तरल तरल जिन तुहिन कणों से हर्षित हंसती हर्षित होती है,
अयति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तू देती है। अपर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदय भाव से सेती है। बता रहा है कवि कि संसार के सारे प्राणियों को प्रकृति, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर यह पृथ्वी हो, सबको एक समान भाव से सिंचित करती है। सूर्य रोशनी तो देता है, तो ये नहीं कहता कि बूढ़ों को थोड़ा ज्यादा और वयस्कों को उससे कम और बच्चों को सबसे कम, ऐसा नहीं करता, सबको समान रोशनी देता है। तो उसी प्राकृतिक छटा का वर्णन है कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। उसी तुहिन का कण, तुहिन माने होता है बर्फ या ओस, ओस के कणों को जो अभी अभी पिछले पद्य में सूर्य जी से बटोरा था और वह अपनी संध्या को दे जाता है, उसी का वर्णन है कि सरल तरल, सरल माने बिल्कुल सहज, तरल माने होता है जल सदृश, जिन तुहिन, तुहिन माने होता है बर्फ, बर्फ के कणों से हस्ती हर्षित होती है। कह रहा है कि वही जब बूंद, ओस की बूंदें घास के तिनके के पेड़ पौधों के ऊपर जब पड़ जाती है तो लगता है कि पृथ्वी हंस रही है, या सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो सुबह के समय बड़ा ही सुंदर लगता है। तो सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अयति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। लेकिन दूसरी तरफ विरुद्धाभास अलंकार की छटा यहाँ दर्शनीय है। कह रहा है कि वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, सुबह में तो जो प्रश्नचित मुद्रा में प्रकृति के प्राणी रहते हैं उनको प्रश्नचित मुद्रा दिखाई देती, लेकिन दूसरे जिनकी स्थिति ठीक नहीं है या जिनके पास वियोग जैसी स्थिति है उनको कैसा लगता है कि अति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। कह रहा है कि उन्हीं से लगता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है टपकने लगता है नम, तो लगता है कि अत्यंत आत्मीय रूप में प्रकृति माने यह प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती हुई प्रतीत होती है, कि मानो उनके आंखों से आंसू निकल रहा हो। आयन जानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। प्रकृति की छटा है, कह रहा है कि अगर हमसे प्रकृति में अनजान रूप से भी अगर दंड हो जाती है, कोई ना कोई अगर भूल हो जाती है तो उसके लिए वह दंड देती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर समय से नहाता खाता नहीं है तो उसको जुखाम भी प्रकृति द्वारा ही दिया जाता है। तो कह रहा है कि अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। अपर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदय भाव शिष्यती है। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग हैं नम, उनको भी वह जैसे बच्चों को माँ सेती है, पालती है, उसी तरह से यह प्रकृति बूढ़ों की सेवा करती है। तो बता रहा है कि सरल मन सहज, सरल मन जल जैसे इस बर्फ के कणों से जहाँ एक तरफ प्रकृति हर्षित और हंसती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे यही आत्मीय प्रकृति हमारे साथ विषम परिस्थितियों में रोती हुई प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर यह हमें जहाँ एक तरफ दंड देती है, वहीं बूढ़े और कमजोर लोगों को भी बच्चे के समान सदय भाव का मतलब होता है कि प्रेम पूर्वक सेवन करती है, उन्हें पालती है। अगला देखें। अब यहां पर फिर चित्रण हो रहा है वहां का कि 14 वर्ष का वनवास मिला था ना भगवान श्री राम को, तो 13 वर्ष बीत चुके हैं। वहां की घटना है कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पर है मानो कल की बात। अरे 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पर है मानो कल की बात। अब उनको आते देख हमें जब यार तो अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी बन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। चर्चा हो रही है कि 13 वर्ष बीत चुके हैं, व्यतीत हो चुके मैंने बीत चुके, पर है मानो कल की बात। आपत्ति काल में घटनाएं जल्दी भूलती नहीं है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि 13 वर्ष बीत गए, अभी लग रहा है कि कल ही हम लोग वनवास में
वन के लिए प्रस्थान किए हैं और क्या क्या बता रहे हैं, करे कि वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। तात माने पिता, आर्त माने होता है प्रेम बस, अचेत माने होता है चेतनाहीन। करे कि वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। हमें वन को आते हुए देख करके जब हमारे प्रेम बस हमारे पिता अचेत हुए थे अर्थात चेतनाहीन हुए, बेहोश हुए, उस दृश्य हमसे हमारे आंखों से भूलती नहीं, लगता है कि अभी कल है उस स्थिति को देख करके आए हैं। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। बता रहे हैं कि अब वह समय निकट, निकट मने पास ही है, अभी एक वर्ष और बाकी है ना, तो अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अवधि मने होता है समय सीमा, पूर्ण मने पूरा हो जाएगी वन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। बता रहे हैं किंतु मने लेकिन इस जन को अर्थात यहाँ पे रहने वाले जन, और स्वयं अपने भी कह रहे हैं कि इस जन को इससे बढ़कर के किस धन की प्राप्ति होगी। संकेत किधर है, संकेत है उस धन का कि भगवान श्री राम के साथ एकांत में सेवा करने का और सीता को तपस्विनी के रूप में देखने का और उनका भी सेवा करने का अवसर जो मिला हुआ है उसको लक्ष्मण कर रहे हैं कि हमारे लिए जो इन लोगों की जो सेवा करने का हमें अवसर जो 13-14 साल मिला है शायद यह वहां राज्यपाट में नहीं मिलता। आगे देखिए, और आर्य को राज भारत वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे, अकर विचार लोको पकार का हमें न इससे होगा सो, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लक्ष्मण जी चर्चा कर रहे हैं कि और आर्य को राज भारत वे प्रजा अर्थ ही धारेंगे, कह रहे कि वह आर्य को, वह आर्य कौन है अर्थात श्री राम, राज्य का भार तो प्रजा के लिए, प्रजार्थ का मतलब प्रजा के लिए ही धारेंगे, धारण करेंगे। करें कि जब 14 वर्ष बीत जाएगा तो श्री राम जब अयोध्या पहुंचेंगे ना, तो वह जनता के लिए ही, जनता की रक्षा के लिए ही, लोगों के कल्याण के लिए ही राज्य का भार धारण करेंगे अर्थात राज्य सिंहासन को प्राप्त करेंगे। अभ्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, जब उस राज्य का भार ग्रहण कर लेंगे तो उस समय ये काफी व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, विवशता होगी इनके पास और ये क्या कर जाएंगे, हमें भूल जाएंगे, अर्थात हृदय में तो याद रहेंगे लेकिन इतना ये कार्य में व्यस्त रहेंगे ताकि हमें याद नहीं कर पाएंगे। तो कर विचार लोको पकार का हमें ना इससे होगा शोक, लेकिन यदि हम विचार करें लोक धन उपकार अर्थात लोगों के उपकार की के विषय में, तो इस बात का हमें कोई कष्ट भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा कि चलो समाज की सेवा में प्रभु लगे हुए हैं, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। नरलोक माने यह मनुष्य लोक, क्या अपना कल्याण अपने स्वयं नहीं कर सकता, क्या श्री राम का ही उनके कल्याण के लिए लगा रहना आवश्यक है, प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार यह पंचवटी पाठ यही संपन्न होता है। तो इसमें व्याख्या करने के लिए कभी कभी 4 पंक्तियां, लेकिन अधिकांशतः 8 ही पंक्तियां आती हैं, तो आता है उसमें संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है और काव्य सौंदर्य लिखना होता है। देख लेंगे जहां ये कई वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, तो अधिकांशतः जो पंक्तियां हैं उसमें अनुप्रास अलंकार रहता ही रहे, जैसे यहाँ पर है र है अंत में, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ पर अंत्यानुप्रास है और इस तरह से अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त पद गेय हैं,
गुण माधुर्य है, और इसमें अगर रस पूछा जाए तो बिल्कुल शांत रस है, शांत रस की छटा दर्शनीय है। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।